खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। रात्रि के समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद के थाना सफदरगंज अंतर्गत सफदरगंज पुरवा रेलवे स्टेशन सफदरगंज निवासी लक्ष्मण उर्फ रामजी पुत्र सुरेश गौतम रात्रि में अपने मित्र मुकेश पुत्र नेता निवासी सफदरगंज रेलवे स्टेशन के बुलाने पर कहीं गया हुआ था। काफी समय होने के बावजूद लक्ष्मण उर्फ रामजी घर नहीं आया। सुबह होते ही पता चला कि किसी व्यक्ति का रेलवे लाइन पर शव पड़ा हुआ है, तो वहीं मौके पर पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद इसकी जानकारी परिजनों को हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सफदरगंज पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखिए संवाददाता मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनीता। अनीता, ये जो राम जी था ये कौन था? हमारा लड़का है। इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र अरे है कुछ 15-16-17 साल के थे। 16 साल के है। हाँ, ब्याह करे वाला रहा है। लगभग इसकी उम्र 27 साल के आसपास आंकी गई है। हाँ ठीक है। और ये कहाँ गया था रात में? रात में हम घरे रहबे नहीं किए बाबू जी, वही तो कह रहे हैं कि घर में बहने रहे होंगे, किसी न किसी बता गया होगा रात में। याद वहाँ बहन है, एक बहन याद लड़की बैठी है, यहीं बैठा रहा है। कहा थे बाबू उधर से आवा है, उधर एक लड़का गया है बुलाए के लेकर आवा है साथ में, और वही बुलाए के लेकर चला गवा है। कौन आया था बुलाने के लिए? वही उनके नेता इन गलौंडा। क्या नाम था उसका? मुकेश। मुकेश, ये कहा, ये कहाँ रहने वाला है? अभी रहने वाला तो हम बता नहीं सकते हैं बाबू जी, बाकी है ये घर ही पर है। कहाँ पर घर है? लाइन के खाले, लाइन के उस पार है। हाँ। और आपका घर लाइन इस पार है? हाँ। उसके पिताजी का नाम क्या है? नेता। नेता, और कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? कुछ कहना चाहेंगे कि लड़का आपका कैसे क्या हुआ, कुछ इसके बारे में कुछ कहना तो नहीं है? बताइए भैया, जब आंधर खोपड़ी कुछ नहीं देखे तो कहा हम रहे हुई तो खुदे रात के हम कहाँ तक ले ढूंढी लाए थे, फटकी पर से इधर से पकड़िए के नीचे तक ले हमारे भैया इतने दूर में हमको मिल जाते रहे। थाना आपका क्या है? सफदरगंज। सफदरगंज जिला बाराबंकी।